नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आई ऑप्स हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो एमएससीडी के बारे में अवश्य जान लीजिए, क्योंकि एमएससीडी एक ऐसा इंडिकेटर है जो अक्सर बड़े बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं और मार्केट में सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी अगर आपको देगा तो वो देगा आपको एमएससीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है और बिल्कुल फ्री है, सबके डीमैट अकाउंट में सबके चार्ट पर अवेलेबल है। तो आप इस इंडिकेटर को अच्छे से समझिए, क्योंकि दोस्तों आपको एमएससीडी इंडिकेटर, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, किसी भी स्टॉक्स के चार्ट पर अगर आप इसको यूज कर रहे हैं और एक सही सेटअप के साथ यूज कर रहे हैं, तो आपको बाय करने का, सेल करने का चार चार कन्फर्मेशन आपको देगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर चार कन्फर्मेशन जिस ट्रेड में आपको मिले वो ट्रेड कितना ज़्यादा सक्सेस होगा। इवन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप एमएससीडी को अच्छे से सीख जाते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका 10 ट्रेड में 8 तो सक्सेस होगा ही होगा, अगर एक अच्छे से एमएससीडी को समझते हैं तो। तो अगर आपको सीखना है एमएससीडी क्या है, कैसे काम करता है, इसको किस तरह से चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, इंट्राडे के लिए क्या स्पेशल एक स्ट्रेटजी हो सकती है एमएससीडी को लेकर, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ एमएससीडी के बारे में बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। किसी भी चार्ट के ऊपर आप सेम प्रोसेस से कर सकते हैं, बस मेरा पर्पज़ था बैंक निफ्टी के ऊपर, इसलिए क्योंकि अधिकतर मेरे व्यूअर हैं वो बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट के साथ ओपन है। देखो, टाइम फ्रेम का भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जब मैं आपको अच्छे से पहले एमएससीडी के बारे में समझा दूँ कैसे चार्ट के ऊपर इसको अप्लाई करिएगा और कैसे आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। उसको मैं आपको समझाने के बाद मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में समझा दूंगा कि आप अगर ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल हैं, इंट्राडे हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, किस हिसाब के ट्रेडर हैं, तो आपको किस हिसाब से टाइम फ्रेम पे एमएससीडी को लगा के देखना चाहिए। और फिर एमएससीडी के अंदर भी कुछ सेटअप होता है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जबरदस्त वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा टाइम से, ठीक है। तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे देखिए, आपको सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इंडिकेटर है। यहाँ पे आप टाइप करिएगा एमएससीडी, तो एमएससीडी यहाँ पे हम टाइप करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि टाइप करने के साथ ही मेरे चार्ट पे आपको दिख रहा होगा एमएससीडी। ये मैंने क्लिक किया और एमएससीडी यहाँ पे ऐड हो गया मेरे चार्ट के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ नीचे भी एमएससीडी भी आ गया, ठीक है। तो अब एमएससीडी के बारे में सबसे पहले समझें कि एमएससीडी है क्या। एमएससीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा तो कमेंट करिएगा। अभी देखिए, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन का काम क्या है। देखिए, इसमें चार मटेरियल होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये आपका चार मटेरियल से बना एमएससीडी होता है। पहला मटेरियल क्या होता है, इसका एक बेस लाइन, ठीक है, ये जो बेस लाइन दिख रहा होगा ये वाला, जिसके नीचे ये आपका हिस्टोग्राम बना हुआ है ग्रीन रेड कैंडल, और इसके ऊपर देखिएगा कि ग्रीन कैंडल। तो ये एक बीच में जो ना बेस लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, नीचे रेड कैंडल, इसे हम लोग क्या कहते हैं एमएससीडी के लैंग्वेज में, इसे कहते हैं हम लोग हिस्टोग्राम, ठीक है। एक बेस लाइन हो गया, दूसरा आपका ये वाला हिस्टोग्राम हो गया, ये बेस लाइन हो गया, और एक यहाँ पे देखोगे एक ब्लू लाइन है, एक ऑरेंज लाइन है, ये आपका हो गया एक फास्ट मूविंग एवरेज जो 12 डे का होता है डिफॉल्ट सेटिंग में, और आपका जो ऑरेंज कलर का है वो है आपका 26 डे का स्लो मूविंग एवरेज, ठीक है, जो डिफॉल्ट सेटिंग में होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इनपुट में सेम रहने देना है, स्टाइल में जाके हमें ना थोड़ा चेंज कर देना है कलर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो एमएससीडी का 12 डे का मूविंग एवरेज है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर आपको जो है ये दिखाए। मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर वाला एमएससीडी का है वो ग्रीन कर देता हूँ ताकि मार्केट बुलिश आपको समझ में आए, और आपका जो ऑरेंज वाला है उसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि मार्केट में आपको बेरिश मूवमेंट का इंडिकेशन दे, ठीक है। अब जो रेड कलर वाला है वो आपको 26 डे का मूविंग एवरेज है, यानी कि वो आपका क्या है, वो है आपका बेरिश लाइन, और जो ग्रीन लाइन है वो आपका है बुलिश लाइन। तो इस तरह से हम समझेंगे बेरिश लाइन और बुलिश लाइन, यानी कि रेड कलर वाला जो है आपका बेरिश लाइन है वो है आपका 26 डे का मूविंग एवरेज, और जो आपका ग्रीन लाइन है वो है आपका बुलिश लाइन जो है आपका 12 डे का मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ये चार मटेरियल के साथ एमएससीडी आपका बन गया।
तो इसका जो काम होता है ना, ये आपको मार्केट में पहले इंडिकेट करता है कि किस तरह से मार्केट में आगे प्रदर्शन होने वाला है, खरीदारी आएगी या बिकवाली आएगी। तो इसके लिए मैं आपको चार्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ से देखोगे कि आपका ये ग्रीन वाला क्या है, बेस लाइन के नीचे था, लेकिन बेस लाइन के अब ऊपर चला गया, रेड लाइन को काटते हुए, बेरिश लाइन को काटते हुए बुलिश लाइन ऊपर चला गया, तो मार्केट में भी ऊपर गया। अब यहाँ से जैसे सेलिंग आया, तो यहाँ से देखोगे जो बुलिश लाइन है वो क्या हुआ, बेरिश लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटते काटते नीचे की ओर आ गया, साथ में बेरिश लाइन, जब मार्केट ज़्यादा गिर गया तो बेरिश लाइन भी क्या हुआ, बेस लाइन को काटते हुए, लेकिन ऊपर ही ऊपर है, देखोगे ऊपर ही ऊपर है। क्यों? क्योंकि मार्केट बेरिश है। तो MACD का ये काम है कि मार्केट में बेरिश मूवमेंट को बताना, मार्केट में बुलिश मूवमेंट को बताना, ठीक है। अब चार तरह का कन्फर्मेशन आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ, वो भी आप ध्यान से समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको क्लियर, देखो मार्केट में यहाँ पे था, ठीक है। तो प्राइस एक्शन आपका क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, कि जब मार्केट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा हो, देखो प्राइस एक्शन भी कुछ चीज़ होती है ना, आपको समझना है ना। देखो सपोर्ट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव है, ये आपका पहला इंडिकेटर है, क्योंकि इस लेवल से बाइंग ऑलरेडी आ रही है, पहले भी आई है, तो ये पहला चार्ट के ऊपर आपका होगा। दूसरा होगा कि ऑप्शन चेन में इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल राइटर्स हट रहे होंगे और पुट राइटर्स बढ़ रहे होंगे, ये आपको दूसरा इंडिकेट हो गया। तीसरा MACD से आपको क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए सपोर्ट हो गया, OI आपको चेक कर लिए। अब यहाँ पे देखना है आपका जो बुलिश लाइन है वो है आपका ग्रीन लाइन, वो ग्रीन लाइन क्या रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है। जब तक नहीं काटेगा तब तक आप मार्केट में कोई कुछ भी नहीं करे, कोई मूवमेंट नहीं करे। जैसे ही देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन आपका रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, आप चार्ट पे भी देखिएगा, चार्ट देख रहे हैं कैंडल बन रहा है, यहाँ नीचे MACD लाइन जो ग्रीन है वो रेड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ काटा, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस लाइन के आसपास आपका हिस्टोग्राम बन रहा है ना, ये आप देखिएगा कि बेस लाइन के ऊपर ग्रीन में बन रहा है, तो क्या वो डार्क में बन रहा है या फिर एक होता है ना फीका फीका बन रहा है। अगर वो डार्क में और छोटा भी बन रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं खरीदने को, तो अब आप यहाँ पे खरीद सकते हैं इस लेवल में। ये जो आपका लेवल है इस लेवल में खरीद सकते हैं, क्यों, क्योंकि हिस्टोग्राम भी बेस लाइन के ऊपर आपको ग्रीन बना रहा है और काफी डार्क में, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम काफी अच्छा खासा है आपको ये दिखा रहा है, और साथ में दिखा रहा है आपका बुलिश लाइन जो 12 डे का मूविंग एवरेज है, बेरिश लाइन जो कि 26 डे का मूविंग एवरेज है उसको नीचे से ऊपर की तरफ काट दिया है। तो यहाँ से एक बेरिश मूवमेंट खत्म हो गया, अब बुलिश मूवमेंट आएगा मार्केट में, तो हम कॉल में बाय कर सकते हैं और PE का पोजिशंस को काट सकते हैं। तो ये सिंपल आपको MACD देगा, चाहे आप जितनी मर्जी इंडिकेटर्स यूज कर लें, लेकिन MACD की तरह आपको सटीक जानकारी आपको कोई इंडिकेटर नहीं देगा। MACD को आप 10 दिन 15 दिन यूज तो करिए, तरह तरह के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे करिए, 5 मिनट पे करिए, 1 डे का करिए, 30 मिनट का करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको रिसर्च करिए ना, आप ट्रेडर हैं, आप रिसर्च करिए, आपको बहुत मजा आएगा MACD के साथ। मैं पिछले 4 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, 10 में 7-8 ट्रेड सक्सेस हो रहा है MACD के दम पर, सिर्फ रैंडमली MACD के दम पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तब भी। लेकिन आपको नहीं कहूँगा कि रैंडमली ट्रेड लें, ये मेरा पर्सनल था, मैं आपको सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि MACD इस तरह से काम करता है। आप भी इसको ट्राई करें, पेपर ट्रेडिंग करें, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करें MACD को, बहुत मज़ेदार ट्रेडिंग है। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं, बिगिनर्स हैं, तो इस पे ध्यान दें, अगर आप सीख जाते हैं तो आप एक सफल ट्रेडर बन जाइएगा ऑप्शन का। तो MACD को समझिए, मार्केट में पहला आपको क्या कन्फर्मेशन देगा कि आप जैसे मान लो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, अब यहाँ पे फिर मार्केट आया, तो आपको तो पहला कन्फर्मेशन यही मिल गया कि इस लेवल में बायर्स एक्टिव होते हैं, पहले भी सपोर्ट लिया। दूसरा आ जाइएगा ऑप्शन चेन में, तो वहाँ पे OI देखिएगा, OI जो है कॉल के साइड में बिल्डअप नहीं हो रहा है, पुट के साइड में ज़्यादा हो रहा है, कॉल के साइड में हो नहीं रहा है, या तो फिर वहाँ से पोजीशंस कट हो रहा है, ये दो हो गया। तीसरा आप MACD में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मान लो कि आप मार्केट में देखोगे यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, वो ग्रीन लाइन जो बुलिश लाइन है वो आपको रेड लाइन ऊपर की तरफ काट चुका है, और ये आपका हिस्टोग्राम चौथा कन्फर्मेशन बेस लाइन के ऊपर ग्रीन में डार्क में बन रहा है, वॉल्यूम के साथ बन रहा है। तो ये चार कन्फर्मेशन के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर अवश्य बनिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज के बाद कल से ही आपका ये काम 100% करने लगेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी प्रेशर भी होता है, माइंड का प्रेशर भी होता है लोगों के दिमाग में,
तो पहले आप इसको सीखिए, ऑब्जर्व करिए और फिर आप इसको ना ट्रेड में एग्जीक्यूट करिए, देखिए कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट ला के देगा। तो इस तरह से आप MACD का फ़ायदा ले सकते हैं। चार्ट पर मैं ज़्यादा आपको क्रिटिकल नहीं समझाया हूँ, आसान भाषा में समझाया हूँ कि एक ग्रीन लाइन है जो आपका बुलिश लाइन है वो 12 डे का रहा है, और जो आपका बेरिश लाइन है रेड लाइन वो है आपका 26 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज आपको एक आपको अनुमान बताता है, मूविंग का एवरेज बताता है कि मार्केट पे चार्ट जो है वो किस तरह से मूव करने वाला है एक एवरेज के तौर पे। तो ये आपको सिग्नल जो है ना जबरदस्त सिग्नल देता है। देखिए जब मार्केट एक रेंज में आ जाता है ना, जब कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी हो साइड रेंज में रहेगा ना, तो आपको थोड़ा सा कम जानकारी देगा आपका ये MACD, ये आपको 60% ही इंडिकेट सही करेगा। लेकिन अगर मार्केट में ना एक वॉलीटिलिटी है ठीक ठाक, अगर आपका विक्स इंडिया विक्स ठीक ठाक है और आपको पुट कॉल रेशियो आपको ठीक ठाक है, तो फिर आपको सटीक जानकारी MACD देगा, ये 100% मैं आपको वादा करता हूँ कि आप अगर इसको अच्छे से समझ गए ना तो आपको 100% नहीं तो 90% आपको ज़बरदस्त जानकारी सटीक देगा एक वॉलीटिलिटी मार्केट में। ठीक है, मैं आपको पर्सनल जो मेरा एक सेटअप है वो आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी में भी जब ट्रेडिंग करता हूं और एक्सपायरी का दो दिन अगर बचा, जैसे मान लो मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 3 दिन में ट्रेड करता हूं, और MACD का जो सेटअप है वो मेरा डिफॉल्ट सेटअप नहीं रहता है, वो मेरा रहता है आपका जो ये आपका जो फास्ट लेंथ है, ये फास्ट लेंथ मैं कर देता हूं 7 डे का, और जो मेरा स्लो लेंथ है वो मैं कर देता हूं 21 डे का। ठीक है, ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी है, और मैं इस तरह से इस सेटअप को करके और मैं बाय एंड सेल करता हूँ जब भी मुझे मौका लगता है, और जब भी मुझे लगता है कि नहीं मेरा जो ग्रीन जो बुलिश लाइन है वो मेरे बेरिश लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है, हिस्टोग्राम मुझे बेस लाइन के ऊपर ग्रीन कलर में मजबूती के साथ दिखा रहा है, और ओपन इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक ठाक है, मैं वहाँ से बाय करता हूँ कन्फर्मेशन के साथ। तो इतने सारे कन्फर्मेशन के साथ बाय करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर लॉस नहीं होता है, 10 ट्रेड में मुझे 2 ट्रेड कभी कभी 3 ट्रेड लॉस होता है, नहीं तो 7-8 ट्रेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रहता हूँ। मैं अपने आप का कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि MACD का ये पावर है। हाँ, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मेरा जो रोज का ट्रेडिंग है वो मैं आपको आगे शेयर करूँगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगा, मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप भी आपको जो है दिखाऊँगा। तो उसके लिए अभी टाइम है, जल्दी से 10,000 पूरा करवाइए सब्सक्राइबर, आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।